मनोज पांडे सपा कार्यालय पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि धौराहरा बीजेपी विधायक बाला प्रसाद अवस्थी भी सपा कार्यालय पहुंचे हुए हैं। लखीमपुर खीरी से 5 बार बीजेपी विधायक हैं बाला प्रसाद, और ये अटकलें लगाई जा रही हैं उनकी इस मुलाकात से कि शायद बीजेपी छोड़ सपा का दामन में जाने वाले हैं, सपा के दामन में जाने वाले हैं ये बीजेपी नेता। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं यूपी चुनाव से जुड़ी हुई, जहां पर लगातार एक लड़ी जम गई है लोगों के इस्तीफे देने की और सपा में शामिल होने की। इसी को लेकर बड़ी खबर आ रही है, जहां पर धौराहरा बीजेपी विधायक बाला प्रसाद अवस्थी भी सपा कार्यालय पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी से 5 बार बीजेपी विधायक हैं बाला प्रसाद, और लखनऊ पूर्व मंत्री मनोज पांडे भी सपा कार्यालय पहुंचे हुए हैं। बड़ी खबर, इलेक्शन ब्रेकिंग आपके टीवी स्क्रीन पर। चलिए आइए इसे भी शुरू करते हैं एक और बड़ी खबर का। बड़ी खबर यूपी चुनाव से जुड़ी, बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, इलेक्शन ब्रेकिंग हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। धर्म सिंह सैनी ने अखिलेश यादव से मुलाकात की है। आपको बता दें कि धर्म सिंह सैनी भी अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात हुई है। आयुष राज्य मंत्री हैं धर्म सिंह सैनी, और उनकी मुलाकात हुई है। आपको बता दें कि धर्म सिंह सैनी ने सरकारी आवास और सिक्योरिटी लौटाई है वापस। धर्म सिंह सैनी ने अखिलेश यादव से मुलाकात की, जिसके बाद यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि अब बीजेपी छोड़ सपा में शामिल हो सकते हैं धर्म सिंह। बड़ी खबर लगातार हम आपको यूपी इलेक्शन से जुड़ी दिखा रहे हैं, जहां पर धर्म सिंह सैनी ने अखिलेश यादव से मुलाकात की है। आयुष राज्य मंत्री है धर्म सिंह सैनी, और आपको बता दें कि धर्म सिंह सैनी ने सरकारी आवास और सिक्योरिटी वापस लौटा दी है। धर्म सिंह सैनी ने अखिलेश यादव से मुलाकात की है। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं यूपी इलेक्शन से जुड़ी हुई, जहां पर लगातार बीजेपी का साथ छोड़ अब सपा में शामिल हो रहे हैं कई बीजेपी सांसद। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नरेंद्र जुड़ चुके हैं। आइए उनका रुख करते हैं। नरेंद्र, आखिर क्या हो रहा है, क्योंकि 48 घंटे में कई ऐसे बीजेपी के सांसद हैं जो अब बीजेपी छोड़ सपा में शामिल होने जा रहे हैं, एक तरह से अब बीजेपी क्या डगमगाने वाली है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, अगर राजधानी लखनऊ की बात की जाए, समाजवादी पार्टी कार्यालय की बात की जाए, तो यहाँ पर पारा बढ़ चुका है। तमाम भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता समाजवादी पार्टी की तरफ रुख किए हुए हैं। अगर आज की बात की जाए तो धर्म सिंह सैनी जो आयुष राज्य मंत्री हैं, उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात की है। वहीं बाला प्रसाद अवस्थी जो बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने भी अखिलेश यादव से मुलाकात की है। वहीं दूसरी तरफ विनय साग के बिधुना से विधायक हैं औरैया जिले के, वो स्वामी प्रसाद मौर्य के आवास पर आए हैं और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इन दो लोगों के अभी धर्म सिंह सैनी और बाला प्रसाद अवस्थी के इस्तीफा देने की बात सामने आ रही है, लेकिन अभी आधिकारिक रूप से उनका ना तो कोई बयान आया है, ना ही अभी तक उनका कोई पत्र जारी किया गया है। लेकिन इन दो बड़े नेताओं के, एक मंत्री और एक विधायक के, अखिलेश यादव के मिलने से यही कयास लगाया जा रहा है कि निश्चित तौर पर ये समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे और समाजवादी पार्टी से ये चुनाव लड़ सकते हैं। तो दल बदल का एक बड़ा कार्यक्रम कहा जा सकता है कि राजधानी लखनऊ में चल रहा है। कौन कहाँ छुपा हुआ है, किस गाड़ी में बैठा हुआ है और कब कौन किससे मुलाकात कर लेगा, इन सारी चीज़ों को लेकर पूरे यहाँ पर इंडिया न्यूज नज़र बनाए हुए है। अब तक 3 लोग भारतीय जनता पार्टी के, एक मंत्री और 2 विधायक समाजवादी पार्टी के संपर्क में आ चुके हैं। अभी देर शाम तक और भी विधायकों और मंत्रियों के पार्टी छोड़ने की सूचनाएं आ रही हैं। हम स्वामी प्रसाद मौर्य के आवास पर खड़े हुए हैं, यहाँ पर भीड़ लगी हुई है, तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता उनसे मिलने आ रहे हैं और कुछ विधायकों के लगातार संपर्क में बने होने की सूचना है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट भी किया है और एक तरीके से संकेत दिया है कि एक बड़ा धड़ा भारतीय जनता पार्टी का उनके साथ कल समाजवादी पार्टी में शामिल होगा। कल सपा कार्यालय पर अखिलेश यादव प्रेस वार्ता कर सकते हैं। उसी दौरान इन सभी भारतीय जनता पार्टी छोड़ने वाले या बागी विधायकों को समाजवादी पार्टी में शामिल कराया जाएगा या उनका समर्थन लिया जाएगा। जी जी नरेंद्र, और छोड़ने के पीछे का कारण क्या है, क्योंकि जितने भी मंत्री छोड़ रहे हैं सबका यही कहना है कि बीजेपी ने 5 साल के कार्यालय में कभी भी शोषितों और वंचितों का भला नहीं किया है, क्या कुछ जानकारी है इस पर?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी छोड़ने वाले नेता नौजवान, पिछड़ा, दलित, आरक्षण जैसे मुद्दों की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन एक बात साफ है कि नेता जो पार्टी छोड़ रहे हैं उसके पीछे उनको कहीं ना कहीं जनता का रुख और उनके वोटरों का रुख साफ नजर आ रहा है कि अगर वो चुनाव लड़ते हैं भारतीय जनता पार्टी से तो हार सकते हैं या भारतीय जनता पार्टी उनका टिकट काट सकती है। अपना समीकरण साधने के लिए तमाम नेता अब समाजवादी पार्टी की तरफ रुख किए हैं। भारतीय जनता पार्टी से बड़ी संख्या में टिकट कटने की बातें आ रही हैं, इसके चलते भी विधायक दूसरी पार्टियों की तरफ रुख कर रहे हैं। तो देखने वाली बातें होती है कि कल समाजवादी पार्टी में कितने लोग शामिल होते हैं और समाजवादी पार्टी उनको टिकट देती है या नहीं देती है, एक बड़ा सवाल है। अगर मजबूत नेता आते हैं, क्षेत्र में उनकी पकड़ होती है, तब वो टिकट पाने में तो सफल हो जाएंगे, नहीं तो समाजवादी पार्टी की तरफ से भी ये संकेत दिया गया है कि सभी शामिल होने वालों को टिकट नहीं दिया जाएगा। जी जी नरेंद्र, साथ ही यूपी में अगर देखें तो राज्य मंत्री हैं धर्म सिंह सैनी, और क्या उनके जाने से अगर इस बात पर मुहर लग जाती है तो क्या उनके जाने से यूपी विधानसभा चुनाव में 2022 के जो चुनाव होने वाले, क्या बीजेपी को नुकसान होगा? देखिए, अगर बड़े नेता पार्टी छोड़ते हैं और एक बड़ी पार्टी में शामिल होते हैं तो निश्चित तौर पे उनका जो वोट बैंक होता है, स्वजातीय वोट बैंक होता है, क्षेत्रीय वोटर होते हैं, वो उनके साथ शिफ्ट कर जाते हैं। अगर पूरे प्रदेश में बात की जाए तो ये इतने बड़े नेता नहीं हैं कि बहुत ज़्यादा असर पड़े, लेकिन उनके स्वजातीय जो वोटर होते हैं वो कहीं ना कहीं जिस दल में ये ऐसे नेता जाते हैं उनके प्रति उनकी सहानुभूति होती है, उधर शिफ्ट हो सकते हैं। ये सारी आशंकाएं हैं। समाजवादी पार्टी ज़्यादातर पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग के नेताओं पर फोकस किए हुए है। अगर वो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आते हैं, उनकी क्षेत्रीय और जातीय समीकरण मजबूत होता है, तो उनसे लगातार मिल रहे हैं और उनको स्थान भी दे रहे हैं और ऐसे नेताओं को टिकट भी मिल सकता है जो जिताऊ हैं और दूसरी सीटों को प्रभावित कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी भी लगातार दावा कर रही है कि हमने बहुरंगी इंद्रधनुष बनाया है जिसमें सभी जातियों को, सभी समाज को हिस्सेदारी दी जाएगी और तमाम मुद्दे भी उठाए जा रहे हैं, चाहे आरक्षण की बात की जा रही हो, चाहे जातीय जनगणना की बात की जा रही हो। इन सारे मुद्दों के साथ समाजवादी पार्टी ने अपने दरवाजे खोल रखे हैं कि जिताऊ उम्मीदवारों को और क्षेत्रीय पकड़ रखने वाले को और जातीय समीकरण फिट करने वाले ऐसे नेताओं को पार्टी में शामिल किया जाएगा और उनको टिकट दिया जाएगा। जी जी नरेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिएगा। और इसी बीच हमारे साथ लखनऊ से रजनीश भी जुड़ चुके हैं। रजनीश, जहां पर दिल्ली की राजधानी जो देश के दिल्ली में बीजेपी की केंद्र चुनाव समिति की बैठक चल रही है लगातार, जिसमें उम्मीदवारों को लेकर चर्चा की जा रही है, वहीं उसी दूसरी तरफ यूपी से बड़ी खबरें आ रही हैं जहां पर लगातार इस्तीफे की रुकावट नहीं हो रही है। लोग, जितने भी मंत्री वो इस्तीफा दे रहे हैं और सपा में जाकर शामिल हो रहे हैं, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? रजनीश, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है जी? उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। नरेंद्र, आपका रुख करते हैं। नरेंद्र, जिस तरह से राजधानी दिल्ली में लगातार आज जो है वो केंद्र चुनाव समिति की बैठकें हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ यूपी में आप देखें तो इस्तीफा देकर सपा में शामिल हो रहे हैं, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अब तक जो मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है और बगावती सुर अलाप रहे हैं, उनके बारे में पहले से कयास लगाया जा रहा था कि ये लोग पार्टी छोड़ सकते हैं, कहीं ना कहीं कुछ संकेत भी इन नेताओं ने दिया था। लेकिन एक तरफ जब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की हाईकमान की बैठक चल रही है तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक ऐसे भी हैं जिनको टिकट कटने का अंदेशा है या उनको पुख्ता जानकारी मिल चुकी है कि उनका टिकट काट दिया जाएगा, आशंकित हैं। ऐसे में वो लोग भी अपने बड़े नेताओं के सहारे एक समीकरण बना के, एक गुट बना के बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर दूसरे दलों में जाना चाहते हैं। यह एकजुटता इसलिए बनाई जा रही है कि अगर वो दूसरे दल में जाते हैं जो समाजवादी पार्टी उनका ठिकाना है, तो ज्यादा से ज्यादा टिकट पाने के लिए ये लोग अपना समीकरण बैठा रहे हैं। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य के आवास पे विनय साक के आए हैं, उन्होंने बयान दिया है।
कि हम वहीं जाएंगे जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य जाएंगे, तो जिनकी पकड़ सीधे समाजवादी पार्टी में है वो सीधे संपर्क कर रहे हैं, जिनकी पकड़ नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री रहे हैं वो साथ छोड़ रहे हैं, तो उनके साथ संपर्क साध रहे हैं कि एक गुट बनाने का प्रयास कर रहे हैं जिससे कि दूसरी पार्टी में जाए तो दबाव बना के टिकट लिया जा सके और क्षेत्र में एक उपस्थिति दर्ज कराई जा सके और एक मुद्दा बनाया जा सके कि हमने नौजवानों, किसानों, दलितों और पिछड़ों की उपेक्षा के चलते पार्टी छोड़ी है, इस मुद्दे को भुनाया जा सके। हालांकि बीजेपी की बैठकें चल रही है लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मची हुई है। मंत्रियों का पार्टी छोड़ना, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करना और लगातार समाजवादी पार्टी पर एक कहा जा सक जी आप हमारे साथ बने रहिएगा नरेंद्र। और इसी बीच हमारे साथ लखनऊ से रजनीश भी जुड़ चुके हैं। रजनीश, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी रजनीश, जहां पर लगातार देश की राजधानी दिल्ली में जो बीजेपी है महामंथन कर रही है, आज चुनावों को लेकर उम्मीदवार पर फैसला लिया जा रहा है, किसे उतारना है, वहीं दूसरी तरफ यूपी से बड़ी खबरें आ रही है जहां पर इस्तीफा देकर अब जो मंत्री है, सांसद है, वो जाकर शामिल हो रहे हैं सपा में, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? देखिए, हमेशा से होता रहा है जब पार्टी ये ऐलान करती है कि हम सर्वे के आधार पे लोगों को टिकट देंगे, उसमें लोगों को डर सता रहा है कि हमारा सर्वे में कैसा रिपोर्ट है, तो कहीं ना कहीं वो सेफ जोन में टिकट की तलाश में ही लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। बाकी बात रही दो दो मंत्रियों की, स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें, दारा सिंह चौहान की बात करें, तो उन्होंने जो इस्तीफे में बात का जिक्र किया है उस बात में उन्होंने मेंशन किया है कि यहाँ पिछड़े दलितों की बात नहीं सुनी जा रही थी। हालांकि सवाल उनसे भी बनता है कि 5 साल लोगों सरकार में रहे, उस फोरम में रहे जहां वो आवाज उठा सकते थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन जैसे ही आचार संहिता लागू करता है, चुनाव तिथि का ऐलान करता है, फिर लोग आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे देते हैं, यह बात दूसरी है। लेकिन लगातार जिस तरीके से विधायक इस्तीफा दे रहे हैं, वो दहाई का पार कर गया है। अगर विधायकों की बात करें कि लगातार विधायक, हालांकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वही विधायक इस्तीफा दे रहे हैं जिनको ये डर सता रहा है कि हमको टिकट। जी, इसी बीच हमारा संपर्क रजनीश से टूट चुका है, हम नरेंद्र के पास चलते हैं और जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 2022 में 7 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, 5 शुरुआत में हो जाएंगे और जो 2 चुनाव है हिमाचल और गुजरात के, वो साल के आखिरी में होने जा रहे हैं। तो 5 राज्यों की अगर बात करें तो सिर्फ 1 राज्य ऐसा है जहां पर कांग्रेस की सरकार है और 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। तो इस बार क्या बीजेपी अपना सियासी वर्चस्व बचा पाएगी या फिर जो विपक्ष पार्टी है वो सेंध लगा जाएगी? नरेंद्र का रुख करते हैं। नरेंद्र, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार दावे कर रही है और भारतीय जनता पार्टी में एक तरीके से देखा जाए तो उहापोह की स्थिति है। हाई कमान ने मामले को संभाला हुआ है और मुख्यमंत्रियों के साथ लगातार बैठकें चल रही हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के बीजेपी में भगदड़ मची हुई है, बड़े नेता चाहे वो दलित वर्ग से हों, चाहे पिछड़ा वर्ग से हों, ये कद्दावर नेता हैं जो पार्टी छोड़ रहे हैं और सीधे निशाना भी साध रहे हैं कि पिछड़ों और दलितों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, बीजेपी सरकार ने ठगने का काम किया है। यानी कि सीधे निशाना साध रहे हैं कि वो चाहते थे कि इस वर्ग का विकास हो लेकिन नहीं हुआ, जो वादा किया गया था चुनाव के दौरान वो पूरा नहीं किया गया, इसलिए हम पार्टी छोड़ रहे हैं। तो एक लहर देखी जा सकती है, एक समीकरण बनाने का प्रयास उत्तर प्रदेश में दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी के साथ पिछड़े और दलित वर्ग के बड़े नेता एक साथ आए, एक बैनर के तले आए और भारतीय जनता पार्टी को एक कड़ी टक्कर दें। जो चुनावी समीकरण बन रहे हैं उसमें समाजवादी पार्टी भी यही मैसेज देना चाहती है कि हम अपने पुराने फार्मूले से हट चुके हैं और समाजवादी पार्टी में सभी वर्गों के लिए, यानी कि पिछड़े वर्ग की जो जातियां हैं, सबकी हिस्सेदारी होगी, सबकी भागीदारी होगी, कोई उपेक्षित नहीं होगा। इसीलिए जब कल अखिलेश यादव ने तमाम सहयोगी दलों से वार्ता की थी तो एक टेबल पर आए थे और जो तस्वीरें ट्वीट की गई थी, मीडिया को भेजी गई थी, उसमें मैसेज स्पष्ट था कि पटेल वर्ग से कृष्णा पटेल थी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से ओम प्रकाश राजभर थे, संजय चौहान थे, केशव देव मौर्य थे। तो ये अलग अलग जातियों के नेता हैं जिनकी
अपने वर्ग में पकड़ है, अपनी जातियों में पकड़ है। अगर इस फार्मूले को अखिलेश यादव भुना पाते हैं और छोटी छोटी छोटे वर्ग जो हैं पिछड़ी जातियों के जुड़ते हैं तो एक बड़ा समीकरण बनेगा और इससे समाजवादी पार्टी को लाभ मिलने का लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। अगर ये चुनाव तक ये चीजें धरातल पर रही, वोटर कन्वर्ट हुए, जो वोटर पिछड़ी जातियों के भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े थे, अगर समाजवादी पार्टी के साथ इन नेताओं के साथ आकर जुट जाते हैं तो एक बड़ा वर्ग समाजवादी पार्टी को मिल जाएगा और इससे वोट का परसेंटेज समाजवादी पार्टी का बढ़ेगा और साथ ही उसकी सीटें बढ़ेगी। इसी के प्रयास में लगातार अखिलेश यादव लगे हुए हैं, बैठकों का दौर जारी है और ऐसे नेताओं का स्वागत भी किया जा रहा है जो दूसरे भारतीय जनता पार्टी से छोड़कर आ रहे हैं और समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं जगह देने की बात की जा रही है और उनसे चुनावी लाभ लेने का प्रयास किया जा रहा है। जी जी नरेंद्र, साथ ही जो नेता है बीजेपी का साथ छोड़कर अब सपा में शामिल हो रहे हैं, क्या इससे वोटर्स भी प्रभावित होंगे? क्या उनका जो विश्वास बीजेपी पर था क्या अब वो बदलता नजर आएगा? देखिए, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य की बात की जाए तो ये बीएसपी से भारतीय जनता पार्टी में आए थे और इनके आने से भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिला था। इनके साथ जो नेता आए थे उन्होंने जीत हासिल की थी और इनको मंत्री पद मिला था। अगर पूर्वांचल की बात की जाए तो ओम प्रकाश राजभर भी भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, इन्होंने भी जीत हासिल की थी। 6 से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर ओम प्रकाश राजभर ने भी जीता था। तो कहीं ना कहीं ये वही समीकरण है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ बना था और बैकवर्ड। इस पर तमाम जानकारी देने के लिए नरेंद्र आपका बहुत बहुत शुक्रिया।